नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है और कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। शहर के कई इलाकों में शनिवार शाम भारी बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक जाम और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। शहर में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सड़कों पर 2 फुट से अधिक पानी देखा गया। निदेशक विश्वजीत कंपाटी ने एक ट्वीट में कहा कि डिजास्टर रिस्पांस फोर्स लगातार जल जमाव को साफ करने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद के मौसम कार्यालय ने कहा कि रविवार को शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि एक या दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारी बारिश के चलते 50 लोगों की जान चली गई और शुरुआती अनुमानों से लगभग 9000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अधिकारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, यहां तक कि कुछ इलाके पानी में डूबे हुए हैं। फंसे हुए निवासियों को निकालने के लिए सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों को तैनात किया गया है। मौसम अधिकारियों ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन के चलते ये स्थिति बनी है। तेलंगाना राज्य के अलावा बाढ़ ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी प्रभावित किया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।